हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1.8 जिसमें हमने डिस्कस करना है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को। अब डायमेंशन का क्या मतलब है, अगर हम आम लैंग्वेज आम जुबान में देखें तो डायमेंशन किसको कहा जाता है। जब भी हम फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी को बताने लगते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ आ जाती है कोऑर्डिनेट्स, कि क्या उसकी कोई लेंथ होगी, क्या उसकी कोई विड्थ होगी, क्या उसकी कोई थिकनेस होगी। तो इसका मतलब है हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं, एक्स वाई एंड जी। सो इन कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं कह दूं कि ये मार्कर है जिसके बारे में मैंने बताना है कि इसकी क्या हाइट हो सकती है, क्या लेंथ हो सकती है, तो मैं क्या कहूँगी कि इसकी जो हमारे पास विड्थ आ रही है वो एक्स एक्सिस में, इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है वाई एक्सिस में, और इसकी जो थिकनेस है वो है जी एक्सिस में। तो ये तीनों ने मिलकर इस पूरी एक शेप को डिस्क्राइब कर दिया, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज़, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर कलेक्टिवली देखना चाहेंगे कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से क्या मुराद है, यहाँ पर तो हम इस तरह नहीं बताने लगे होंगे ना कि हर एक एक क्वांटिटी को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। तो यहाँ पर अब जो हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं उसमें क्या बताना है, एक्सप्लेन क्या करना है कि हर क्वांटिटी को, जो भी हम क्वांटिटी देखते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वो इसकी डायमेंशन कहलाएगा। जिस तरह के अगर आप किसी भी पर्सनैलिटी को देखते हो, कोई प्रोफेसर है, कोई आपके टीचर है, तो हम उस उनको उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से पुकारे होते हैं कि ठीक है ये प्रोफेसर है, ये डॉक्टर प्रोफेसर दिस एंड दिस हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर है, तो ये उनकी एक पहचान है। इसी तरह हर फिजिकल क्वांटिटी को उसकी पहचान देने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, डायमेंशन को यूज़ किया जाता है। जिस तरह के अगर हम लोग बेस क्वांटिटीज़ की बात करें और उन्हीं बेस क्वांटिटीज़ से बाकी तमाम क्वांटिटीज़ निकली हैं, इसलिए हम हर दफ़ा जो अपनी बेस बनाते हैं वो उन्हीं बेस क्वांटिटीज़ को बनाते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ में अगर हम लेंथ की बात कर लें, टाइम की बात कर लें, या मास की बात कर लें, तो क्या होगा कि अब जितनी भी चीज़ें इनके अंदर आ रही हैं, लेट्स सपोज लेंथ है, अगर लेंथ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अगर रेडियस के बारे में बात की जाए, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, किसी भी चीज़ की विड्थ बतानी है, किसी चीज़ की हमें जो है ब्रेथ बतानी है, तो क्या सारी चीज़ें हो रही हैं मीटर में मेजर, ठीक है, मीटर मीटर, और ये लेंथ भी क्या है, मीटर में मेजर हो रही है। तो देखो एक ही यूनिट आ रहा है तकरीबन सब में, कि ये भी मीटर में मेजर हो सकता है, ये भी, तो इन सबको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होगा, उस चीज़ का नाम है डायमेंशन। और जब भी हम डायमेंशन की बात करते हैं तो जिस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है उस लेटर को ब्रैकेट में यूं क्लोज कर देते हैं। तो इसका मतलब है अगर लेंथ की डायमेंशन देखी जाए तो वो है कैपिटल एल। इसी तरह चाहे हम रेडियस की बात करें, चाहे हम विड्थ की बात करें, किसी की भी बात करें हो, उसके लिए हम यूज़ क्या करेंगे, कैपिटल एल, जिसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, इनको स्क्वेयर ब्रैकेट कहा जाता है। अगर टाइम की डायमेंशन देखें तो टाइम की क्या है, कैपिटल टी। ये मस्ट है कि यहाँ पर स्क्वेयर ब्रैकेट होनी चाहिए, अदरवाइज वो बिल्कुल भी सिंपल यूँ लगेगा कि आप एक टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, ना कि उसकी डायमेंशन बता रहे हो। मैस को आमतौर पर हम लोग इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं कि टी हो गया, एम हो गया, लेकिन इनकी डायमेंशन चूँकि कैपिटल लेटर से और स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट की जाती है। अब ये तो हमें पता चल गया कि डायमेंशन क्या है और किस तरह से लिखा जा सकता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज जो है वो हमें बुक्स में देखने को मिलते हैं, कभी ये सोचा कि ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए, कभी ये सोचा कि क्या ये फॉर्मूला जो साइंटिस्ट ने हमें बताया क्या वो ठीक भी है या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना कि ये फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, वो तमाम काम हम किससे लेते हैं, इन डायमेंशंस के थ्रू लेते हैं। तो अब हम स्टडी करेंगे डेप्थ में जाके कि किस तरह से कोई फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है या उसके चेक किया जा सकता है कि वो करेक्ट है या नहीं है। जैसा हमने कहा कि डायमेंशन से हम क्या चेक कर सकते हैं कि क्या फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, या फॉर्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं। तो फॉर्मूला को जो चेक करना है वो हमारे पास क्या जाएगा कि हम उसकी चेक करने वाले हैं होमोजेनिटी। अब इसका क्या मतलब है कि क्या वो सेम आंसर दे रहे हैं या नहीं, क्या चीज़ सेम आंसर दे रही है या नहीं। तो जैसा हमें मैथ में कहा जाता है कि प्रूफ करें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है,
दोनों तरफ बिल्कुल डिफरेंट इक्वेशंस दी जाती हैं और एट द एंड आपने उसको सारा सॉल्व करने के बाद ये दिखाना होता है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। इसी तरह से अगर कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए तो अब आपको ये चेक करना है कि उस फॉर्मूला में जो राइट हैंड साइड है क्या वो बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसी चीज को हम होमोजीनियस भी कहते हैं, होमोजेनिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने उसी चीज को चेक करना है। अब बुक की एग्जाम्पल के थ्रू हमें एक दिया गया है सवाल कि आपने चेक करना है कि जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की v, वो बराबर है फोर्स इंटू एल ओवर एम के। तो क्या ये आपको करेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, क्या ये बिल्कुल करेक्ट है भी या नहीं है? तो कैसे चेक कर सकते हैं? उसी तरह से कि एक दफा हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, दूसरी दफा हम राइट हैंड साइड को लेंगे। फिलहाल हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं जिसमें हमें वी के बारे में बताना है। अब डायमेंशंस मेजर कैसे की जाए, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है, इसका मतलब है ये मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज को मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं? वेलोसिटी की हम बात करें, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ पे हमें फॉर्मूला का पता चल गया। तो डायमेंशन जब भी निकालनी है सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए, उस चीज का फॉर्मूला। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमारे पास सबसे बेटर वे क्या होता है कि हम चेक कर लें कि इसके यूनिट्स क्या हो रहे होंगे, इसके यूनिट्स क्या है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होता है? मीटर। चूंकि ये एक लेंथ ही है जिसको हम मेजर करने वाले हैं, इसका मतलब है डायमेंशन क्या इस्तेमाल की जाएगी, कैपिटल एल विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट। नेक्स्ट, अगर टाइम की बात करें, टाइम की डायरेक्टली डायमेंशन हमें पता है कि स्क्वेयर ब्रैकेट में कैपिटल टी को मेंशन कर दिया। यहाँ पर अब हमारे पास जो टी है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर मैं चाहूँ इसको ऊपर लेके जा सकती हूँ और कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता तो उस चीज की पावर क्या होती है, वन होती है। अब जब मैं इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी तो इसकी पावर ऑपोजिट साइन के साथ आ जाएगी, इसका मतलब है कि एल टी माइनस वन, यानी कि इसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो गया। इसको मैं कलेक्टिवली लिख सकती हूँ और ये क्या बन जाएगा, एल टी माइनस वन। अब मेरे पास एक साइड की डायमेंशन आ चुकी है कि ये डायमेंशन है। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे पार्ट की देखनी है कि क्या अगर मैं इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करूं तो वो इसके बराबर आती है या नहीं आती। यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, सबसे पहले आ गई फोर्स, लेंथ, मास। लेंथ और मास की तो हमें डायमेंशन पता है, हमें फोर्स की नहीं पता। फोर्स अगेन से क्या है, एक डिराइव क्वांटिटी। तो इसकी हम डिराइव कर लेते हैं डायमेंशन को। सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला इस फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका मतलब है एम ए आ गया। मास की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम। लेकिन अब फिर से एक्सीलरेशन की डायमेंशन का हमें नहीं पता, वो भी एक डिराइव है, डिराइव क्वांटिटी है और किससे निकली है, वेलोसिटी ओवर टाइम। अभी देखें तो वेलोसिटी की हमने डायमेंशन कैलकुलेट की जो कि है एल टी माइनस वन, और टी अलग से भी एक्सीलरेशन में आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर हम टी लिख देंगे। उसी तरह से क्योंकि टाइम जो टी है हमारे पास एक डिनोमिनेटर में आ रहा है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगी, इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो इसका मतलब है इसकी पावर पॉजिटिव वन थी, अब ये अगेन क्या हो गई है, नेगेटिव वन हो गई है। तो जब ये ऊपर जाएगा इसका मतलब है कि एक नेगेटिव वन और आ चुके हैं, तो नेगेटिव वन दोनों मिलकर क्या बना देंगे, नेगेटिव टू बना देंगे। एक्सीलरेशन की भी डायमेंशन आ गई, यहाँ पर हम एक्सीलरेशन की डायमेंशन को मेंशन कर लेते हैं, एल टी माइनस टू और ये स्क्वायर ब्रैकेट। लेंथ की यहाँ पर लिख देते हैं जो कि कैपिटल एल आ जाएगी, एम की लिख देते हैं जो कि कैपिटल एम आ जाएगी। सबकी डायमेंशन हमें पता चल गई। अब हमें करना क्या है, सबको वापस से पुट करना है उस जगह पर जहाँ पे ये फॉर्मूला में गिवन है। और एक और बात, यहाँ पर हमारे पास तमाम चीजें स्क्वेयर रूट के अंदर है, इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम स्क्वेयर रूट के ऊपर ध्यान दें, उसको हमने निग्लेक्ट नहीं करना। सारी चीजों को अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो सबसे पहले फोर्स में क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब है कैपिटल एम मल्टीप्लाई होता हुआ आएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास मास है, इसका मतलब है हम अगेन इसको न्यूमिनेटर में लेके जा सकते हैं, तो मैं पावर नेगेटिव पावर के साथ इसको ऊपर ही मेंशन कर दूंगी। अब मुझे क्या करना है, स्क्वेयर रूट लगाना है। स्क्वेयर रूट लगा भी सकते हैं या डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि एट द एंड हमने इसको 1/2 में ही चेंज करना है। यहाँ पर हमें कोई भी पावर बाहर एक्स्ट्रा नजर नहीं आ रही। अब हमने इसको करना है सॉल्व, और सॉल्व करने का क्या तरीका है, मास एम, हमें एक एम नजर आ रहा है कैपिटल, एक हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, कंबाइन कर दो। कंबाइन करने से क्या होगा कि एम
इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव 1। इसकी क्या है? नेगेटिव 1। इसका मतलब है प्लस 1 माइनस 1 0। और यहां पर जब भी पावर में 0 आ रहा है, इसका मतलब है वो चीज है ही 0, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो हमारे डायमेंशन में सबसे पहली चीज के m आएगा ही नहीं। दूसरी बात कि अब हमारे पास l बचा और ये भी l है। इस l की भी पॉजिटिव 1 है पावर, दूसरे की भी पॉजिटिव 1 है। तो पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 1 मिलके क्या बन गया? पॉजिटिव 2 बन गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो t माइनस 2 है और इसके अलावा t कहीं और एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसे जिस हमने उसी को लिखा और ये आ गया 1/2। अब इस 1/2 को अगर हम दोनों पे अप्लाई कर दें अंदर पूरी वैल्यू पे, तो ये क्या बन जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। और 2 डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 1। तो एट द एंड हमारे पास क्या बच गया? एल टी माइनस 1। और ये हमारे पास है स्क्वेयर ब्रैकेट में, यहां पर भी स्क्वेयर ब्रैकेट है एंड यहां पर भी स्क्वेयर ब्रैकेट है। इसको देखें और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो हमारे पास क्वांटिटी थी उसकी डायमेंशन को देखें, क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब है ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछ लिया जाता है, जहां पर आपने चेक करके बताना होता है कि क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहला स्टेप क्या है? जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है उसकी एक साइड लेनी है और उस साइड का फॉर्मूला ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो क्वांटिटीज आ रही है उनके डायमेंशन को लिख के हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेना है। फिर दूसरी साइड की लेनी है, उसी तरह से सिंप्लीफाई करके दोनों को बराबर शो कर देना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फॉर्मूला को डिराइव किया जा सकता है।